ओके सो स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है टेटनेस और टीबी दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे भी और वैसे भी आपको आगे पीड्स वगैरह में भी काफी हेल्प करेंगे और पैथोलॉजी में भी आप इसको टीबी को स्पेशली बहुत डिटेल से पढ़ते हो सो so, टेटनस के बारे में पहले दो चार बातें कर लेते हैं देन हम लोग इसको टॉपिक वाइज कवर करते हैं सो टेटनेस बेसिकली एक डिजीज है इन्फेक्शन है जो कि यूजअली क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है आपने सुना होगा जब भी कोई एक्सीडेंट होता है कोई गिर जाता है बाहर तो हम उसको कहते हैं फॉरन जाओ टेटनस का इंजेक्शन लगवा के आओ ठीक है तो ये होता कहाँ से है ये सॉयल प्लेसेस पे गिरने से या फिर स्पेशली आपको जब ट्रामा हुआ है कोई जख्म हुआ है और मोस्ट uh, कॉमन जो है ये अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी जब वो कॉर्ड को गंदी चीजों से काट देती हैं दाइयाँ वगैरह तो वहां से ये टैटनेस हो जाता है और मदर को और फिर बच्चे के लिए काफी ज्यादा uh, खतरनाक साबित होता है होता क्या है के अंदर मसला क्या आता है मसला ये आता है कि सबसे पहले उसका जो जॉ है उसमें स्पैजम होना शुरू हो जाता है इसी तरह उसके बेटे चीक्स एंड फेस के मसल्स जो हैं वो भी स्पास्टिक हो जाते हैं और टाइम तो बल्कि ऐसे होता है कि एक कंडीशन होती है जिसको फंसतेटॉनस कहते हैं बंदा बिल्कुल इस तरह ना ऊपर की तरफ ऐसे मतलब बैक एक जो बैक आर्क होती है कमर अपनी लाइक ऊपर की तरफ हो जाती है और इस तरह एक अजीब सी पोजीशन बन जाती है बंदे की ठीक है सो so उसको हम ओपिस्टेटोन कहते हैं और के एक स्लाइड यूजली रख देते हैं और उसकी पूछते हैं कि क्या है तो आपने बताना कि ये टेटनेस सो so टेटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है अन कंडीशन ड्यूरिंग डिलीवरी सॉयल ट्रोमा वगैरह की वजह से और इसमें होता क्या है स्पैज मैन ओपिस्टेटोनस वगैरह मैं अभी बताती हूँ सारा ठीक है अब आप क्या कर सकते हैं आप इसको प्रिवेंट करने के लिए और इसकी मॉर्टिलिटी बहुत ज्यादा है इवन विद ट्रीटमेंट भी एटी टू नाइनटी परसेंट रेट है इसका मोटलिटी का इतने लोग इससे जाते हैं ठीक है बेटे फिर इसकी डिफरेंट टाइप एंड्रोमेटिक टेटनेस है, है, है।, है बच्चे को पहले जमाने में ये होता था कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे की फिर ये जो नाफ वाली जगह होती है यहां पर जो औरतें हैं गांव की वो गोबर लगा देती हैं, ठीक है, है? ताकि ये जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा तो वो उस गोबर से भी टेटनस का इंफेक्शन चला जाता है और बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी ठीक है बल्कि एक स्टडी के मुताबिक सेवन में पाकिस्तान में टेटनस की वजह से छब्बीस लोगों की डेथ हुई है फ्रिक्वेंसी रेट काफी हाई है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसको आप लोग ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हो तो इसको ट्रीट करने के लिए आप वैक्सीन देते हो और जब बंदा गिर जाता है तो फिर आपको पता है एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगता है इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकती है या एंटी टेटनस सीरम ये तीन चीजें हैं वैक्सीन का शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेट लेडी में मस्ट है सातवें और आठवें महीने पर उनको एंटी टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन लगते हैं ठीक है सो so, ये सारी बातें मैंने आपके साथ इस लेक्चर में कवर करनी है सो so, बेटे स्टार्ट करते हैं ट्रेटनस के बारे में तो ट्रेटनेस के बारे में सबसे इनिशियली वो लिखता है कि ये एक एक्यूट डिजीज है और ये एक एक्यूट डिजीज होता किसकी वजह से है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है ठीक है सो एक्यूट डिजीज है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से आपके पास हुआ है और क्लिनिकल इसकी सबसे मेन मैनिफेस्टेशन ये है कि इसकी वजह से मसल रिजिडिटी स्टार्ट हो जाती है मसल में बहुत ज्यादा स्पैस मार जाता है ठीक है बेटे ये इसकी होगी डेफिनेशन अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एपिडिमोलॉजिकल फैक्टर एपिडेमोलॉजिकल so, फैक्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में हम तीन चीजें देखेंगे टाइम वाइज क्या स्पेसिफिकेशन है प्लेस वाइज क्या है और पर्सन वाइज क्या है सो टाइम वाइज अगर हम लोग बात करें तो वो कहता है कि अगर आप लोग देखें तो रेनी सीजन में वैसे थ्रू आउट इसके केसेस आ सकते हैं थ्रू आउट द ईयर लेकिन रेनी और हॉट सीजन में इसके केसेज ज्यादा होते हैं अगर हम लोग प्लेस वाइज बात करें तो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो जगह जो बिल्कुल साफ नहीं है अन हाइजेनिक कंडीशन है जहां पे वहां पे ये बहुत ज्यादा हो जाता है उसके बाद agricultural सॉयल uh, वाली जगह जहां पे ये खेती बाड़ी हो रही है वहां की जो मिट्टी है वहां से ये हो सकता है उसके बाद एनिमल जो है उनका जो डस्ट हो गया डेब्रेस मटेरियल हो गया या डंग जितना भी गोबर वगैरह हो गया उससे बहुत इजीली ये uh, ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सकता है वहां पे uh, प्रेजेंट होता है ठीक है और जहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है वहां पर भी इसके जो चांसेज है या रिस्क है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव होता है अगर हम पर्सन वाइज बात करेंगे तो तकरीबन हर एज ग्रुप को फाइव से लेकर फोर्टी ईयर तक ये इफेक्ट करता है लेकिन मेल को ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू फीमेल इस वजह कि मेल जरा ये बाइक शाइक ज्यादा चलाते हैं उनको जरा ज्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं इसलिए ऑकुपेशन वाइज बात करें तो एग्रीकल्चर काम जो कर रहे हैं एग्रीकल्चर वर्कर उनमें ज्यादा होता है और इससे इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती जब भी आप गिरोगे आपको जाके का इंजेक्शन नए सिरे से लगवाना पड़ेगा इसके अगेंस इम्यूनाइजेशन डेवलप नहीं होती फिर थ्रू आउट लाइफ नहीं होती फॉर टाइम बींग होती है ठीक है बेटे दूसरी बात हमारे पास आ जाती है डिटोमेंट अभी हमने बात कर ली कि जो प्राइमरी डिटर्मोनेट है वो इसका कौन है ये क्लॉस्ट्रीडियम सो क्लॉस्ट्रीडियम टेटेना इसका प्राइमरी डिटॉमोट है और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट इसके बहुत सारे हो सकते हैं पुअर हाइजेनिक कंडीशन हो गई और अन डिलीवरीज हो गई और आ, जो अन डाइज है दाइयाँ वगैरह हैं वो जब उसको काटती हैं उसके बाद जो कुछ कल्चरल वैल्यूज जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं डंक वगैरह जो है वो बच्चे की चीज पे लगा देते हैं नाफ वगैरह पे तो इससे हो सकता है ठीक है अब ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है इसका बेसिकली एक एक्सोटॉक्सिन होता है और वो बॉडी में जाता है और सारी तबाही कर देता है तो वो कहता है तकरीबन 0.5 प्वाइंट फाइव एमएल एक्सोटॉक्सिन काफी है एक 70 के के बंदे को पैरालाइज करने के लिए और कहां पे जाके ये एक्सोटॉक्सिन इफेक्ट करता है मोटर एंड प्लेट्स पे स्पाइनल कॉर्ड पे ब्रेन पे और सिंपथेटिक सिस्टम पे ठीक है बेटे सो ये हो गई यहां तक बात और फ्रिक्वेंसी मैं आपको बता रही थी तो फ्रीकवेंसी में भी आपने बताना है कि फ्रीक्वेंसी इसकी काफी ज्यादा हाई है स्पेशली न्यूनेटल टेटनेस बच्चों के अंदर एक मेजर किलर है अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो 90 परसेंट इसकी फर्टिलिटी रेट है और वही बात कि 1997 में अप टू ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स जो है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड केसेसके रिपोर्ट हुए थे तो यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं हुआ कि आपके पास जो टेटनेस क्यूड इन्फेक्शन है जो क्लास्टीडियम से हुआ है और बेसिकली ये मसल रिजिडिटी करता है प्राइमारि ये रेनी हॉट सीजन में ज्यादा होता है अन कंडीशन में और मेल्स uh, में ज्यादा होता है क्योंकि वह ट्रोमा से ज्यादा और इस तरह बच्चों में प्राइमरी डिटर्मिनेट टेटन आया है जिसके अंदर एक्सोटॉक्सिन है जीरो पॉइंट फाइव एम एल एक्सोटॉक्सिन इसफ सेवेंटी जी मैन को इफेक्ट या पैरालाइज करने के लिए और सेकेंडरी डिटरमिनेंट इसके वो पूरा आईजेनिक कंडीशन वगैरह हो गई है ठीक है बेटे नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास के इसकी Uh, जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है वो कितना है या कैसे होता है तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी में आप लोग याद रखेंगे कि इसका जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऐसे नहीं टाइटनेस मुझे है तो मेरे भाई को जाएगा नहीं ऐसे नहीं होता है पर्सन टू पर्सन इसकी ट्रांसमिशन नहीं है इसकी ट्रांसमिशन होती है ऐसे है कोई भी कंटेमिनेटेड uh, जो चीज है उसको अगर आपने टच कर लिया कंटेमिनेटेड सॉयल है या कंटेमिनेटेड डंक था और उसको बॉडी के ऊपर टच किया गया वाउंड के ऊपर स्पेशली जख्म के ऊपर तो वहां से आपकी बॉडी में इंटर करता है इसके रिजर्वायर कौन हो सकते हैं रिजर्वायर इसकी सॉइल होती है डस्ट होता है डंक होता है एनिमल्स का ये इसके बेसिक जो है वो रिजर्वाइड है इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन की बॉडी में आके ये अप टू टू अपन डेज जो है वो इंक्यूबेट होता है सिक्स टू टेन डेज टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड है ठीक है बेटे नेक्स्ट चीज आ जाती है इसकी टाइप्स है तो टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन कॉज है नंबर वन मैंने आपको बताया कि ट्रोमा एक्सीडेंट वगैरह की वजह से हो सकता है सो दैट इज ट्रोमेटिक टेटनस दूसरा हमने कहा कि डिलीवरी के बाद होता है तो दैट इज प्यूपुलर टेटनस प्यूपरल पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी फोर्टी टू डेज ठीक है तो उसके दौरान ये हो सकता है देन उसके बाद कहता है कि ओटोजेनिक टेटनस हो सकता है नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास होता है न्यूटोरम जो कि इन्फेंट को हो जाता है एंड फाइनल बेटे अन नॉन ओरिजन का होता है अब ये जो न्यूनिटोरम है इसका रिस्क जो है और इसकी जो इंसिडेंस है वो काफी ज्यादा हाई था क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो लोग एश्रेस ऑयल या कॉयल का जो काउ का जो डंक होता था वो लगा रहे थे और फर्स्ट सिम्टम सेवन डेज बाद अपियर होता था और क्या सिम्टम अपियर होता था कि बच्चे को स्कलिंग करने में बहुत मसला हो रहा था फिर एकदम से पेालसिस होती है रेस्पिरेटरी पेरालस होती है और बच्चे की डेथ हो जाती है ठीक है और घरों को समझ भी नहीं आती कि ऐसा क्या हुआ था ठीक है बेटे सो ये हमारे पास इसकी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं है ट्रांसमिशन इसकी सॉयल वगैरह से हो रही है रिजर्वायर इसकी सॉयल डस्ट और डंग है इनक्यूबेशन पीरियड सिक्स टू टेन डेज है और टाइप्स इसकी डिपेंडिंग अपॉन कॉज है इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि अगर पेशेंट टाइटनेस का आ गया है तो उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है आपको कैसे पता चलता है कि इसको टाइटनेस है सबसे पहले इसका एक इंसीडियस ऑनसेट uh, uh, होता है और नंबर वन ये होता है बेटे के जो पेशेंट है उसकी जो जॉ है और उसके जो नेक के मसल्स हैं वो मसल्स जो है वो काफी ज्यादा रिजट होना शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट चीज ये उसको सॉल्विंग में डिफिकल्टी होती है, है यानी कोई भी चीज वह निगल नहीं सकता उसको निगलने में बहुत ज्यादा मसला हो रहा होगा उसके बाद एक टर्म यूज होती है जो आप लोगों ने बतानी है इसको हम लोग कहते हैं सार्डोनिकस इस राइसस सार्डोनिकस में क्या होता है कि जो बंदा होता है या बच्चा होता है जो भी है उसके जो फेस के और चीक्स के जो मसल्स है ना उनकी पेरास होना शुरू हो जाती है उनमें स्पेज मार जाता है सार्डोनिकस स्पेज मार जाता है राइस सार्डोनिकस चीक और फेस के मसल में स्पेज आ जाता है दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास है अपिस्टेटोनस और मैंने पिस्टेटोनस आपको बताया कि वो बिल्कुल ऐसे ना उल्टा सा हो जाता है बंदा ठीक है तो आपने ये जरूर मेंशन, मेंशन करना है कि नेक जॉ की रिजिडिटी हो जाती है डिस्फेजिया स्वेलोविंग में मसला हो रहा होता है सार्डोनिकस होता है और अपिस्टेटोनिस हो रहा होता है ठीक है अगर हम उसकी सेंसरी इंपल्स वगैरह या सेंसरी सेंसेशन देखेंगे तो वो इंटैक्ट होती है उनको कोई मसला नहीं होता है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन और लरेंजो स्पैज बदले के अंदर डिवेलप होना शुरू हो जाता है लरेंजो स्पैर्स इस वजह से स् होता है कि जो पेशेंट है हाँ जी तो लरेंजो स्पैस में होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके जो रेस्पेरेट्री मसल्स हैं वो भी स्पास्टिक होना शुरू हो जाते हैं एकदम से पेशेंट जो है वो साइनोसिस हो जाती है फिर एस्पेक्सिया हो जाता है फेरेस्पेक्सिया के बाद अगर उसको ट्रीट ना किया जाएगा तो एट दी एंड उसकी बेटे डेथ हो जाएगी ठीक है और ये जो है वो आप लोगों ने अब साइन एंड सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं इसके सिक्वेंशियल डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं हो सकता है पेशेंट को मैनेंजाइटस हो तो मैन में भी इस तरह रिजिडिटी होती है तो आप उसको इसके साथ कन्फ्यूज कर सकते हो सेम एज अगर पेशेंट को इनका है तो उसमें भी ऐसा हो रहा होता है या रेबिस है तो उसमें भी कुछ इस तरह की कंप्लेन्स या कंडीशन हो सकती हैं है याचनीन पॉइजनिंग या लो सीरम कैल्शियम है तो लो सीरम कैल्शियम में भी मसल्स इस तरह स्पैस करते हैं और सेम एज ट्रिचनीन पॉइजनिंग में तो ये इसके बेटे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है अब इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि अगर पेशेंट आ गया है तो आपने इसको किस तरह से ट्रीट करना है मैंने आपको बताया विदाउट और विद ट्रीटमेंट इसका जो मॉर्टेटी रेट है वो काफी ज्यादा हाई है इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसकी प्रिवेंशन और ये आपसे पूछी जाती है सो so, प्रिवेंशन में आपने याद रखना है कि हम पेशेंट को चार चीजें देते हैं रिसेंट मेरे एग्जाम में आई थी तो प्रिवेंशन जो है वो इसकी चार तरीकों से हो सकती है नंबर वन बेटे हम लोग उसकी एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आपको पता है हम पेशेंट को क्या देंगे वैक्सीन देंगे और वैक्सीन इसकी आप ईपीआई शेड्यूल पढ़ेंगे तो डीपीटी में दी जाती है जिसमें हमारे पास एंड टेटनेस और टेटनेस की जो वैक्सीन होती है वो होता भी टेटनेस टॉक्सॉइड है और ये हम पेशेंट को कब देते हैं सिक्स टेंथ और फोर्टीन वीक पे पेशेंट को देते हैं दूसरी बात है कि हम लोगों ने उसकी क्या करनी होती है पैसिव पैसिव इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन में हम दो चीजें देते हैं एक हम टेटनस इम्यूनोग्लोबिन देते हैं ताकि जब तक एक्टिव के थ्रू बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है बायर्स एंटीबॉडीज देते और किसी भी कॉम्प्लीकेशन को प्रिवेंट कर सके और दूसरा बेटे एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है ठीक है सो तो आपने याद रखना है वैक्सीन टेटनस टॉक्साइड जो कि मोनोवेलिन भी हो सकती है पंटावेलन भी इम्यूनोग्लोबलिन देते हैं इम्यनोग्लोबलिन के साथ हम इसको क्या देंगे अच्छा तो हम लोग उसको एक्टिव वैक्सीन देते हैं और पैसे में हमारे पास दो चीजें होती हैं एंटी टेटनस सीरम और एमिनोग्बिलिन जो जो होता है वो कहते हैं वो बहुत ज्यादा बेस्ट होती है प्रोफेलेक्टिकली भी आप पेशेंट को देते हैं यानी वो गिर गया तो एकदम से मीनोग्लोबिल लगा देते हैं इधर टेटनस हुआ या नहीं हुआ कितनी देते हैं हम इसमें टू फिफ्टी से लेके फाइव हंड्रेड इंटरनेशनल यूनिट तक दिए जाते हैं और इसकी वजह से बॉडी के अंदर कोई सीरम रिएक्शन नहीं आता लेकिन एंटी टेटनस सीरम से आ भी सकता है इसलिए बेटे पहले इसकी हमें टेस्ट डोज देनी पड़ती है जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एल्सिनली देते हैं अगर कोई रिएक्शन ना आए तो फिर इसके फिफ्टीन हंड्रेड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो लगाए जाते हैं तो ये हमारे पास तरीका है इसको प्रिवेंट करने का साथ में हम पेशेंट को जो है वो एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं जिसमें हम उसको क्या देंगे बेनजाइन पेंसिलीन स्पेसिफिकली प्रिवेंट करने का क्या तरीका है जब अगर पेशेंट आपके पास आ जाएगा एक तो आपने उसके वाउन को बहुत ज्यादा फॉरन से क्या करना है साफ करना है दूसरी बात ये होती है कि हम एड्रीना या हाइड्रोकोटिसोन दे देते हैं किसी भी एनाफाइलेक्ट्रिक रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अब हम उसको एंटी टेटनस सीरम देंगे लेकिन ये सीरम पहले हम टेस्ट डोज में देंगे अगर रिएक्शन नहीं आ रहा तो फिर हम फिफ्टीन इंटरनेशनल यूनिट दे देंगे साथ हम इमिन दे देंगे और पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि कोई और रिएक्शन तो नहीं आ रहा अगर उसको स्पास्ट, स्पास्ट फील हो रहा है, तो फौरन आप उसको डायजिप और मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह जो है वो दे देंगे पेशेंट को नॉइस वगैरह या एक्सटर्नल स्ट्यूमेल वाली जगह से दूर रखेंगे ऑब्जर्व करेंगे ताकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए तो उसको प्रिवेंट करें तो इस तरह हमने इसको स्टेप वाइज अप्रोच करनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी के अंदर इसका जो वैक्सीन का शेड्यूल है वो क्या होता है तो प्रेगनेंसी में बेटे इसकी जो फर्स्ट डोज होती है ना वो लगती है सेवन मंथ्स पे ठीक है सेकेंड डोज इसकी लगती है वुमेन को एट मंथ पे अब ये दो डोजेस जब लग जाती हैं तो अपनी ओवरऑल प्रोटोकॉल भी याद रखना है हमेशा हम क्या करते हैं फर्स्ट डोज यानी किसी भी महीने दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एनी मंथ यानी कि अगर समझ लो मैंने कब देखा दी जुलाई में दे दी सही नॉर्मल वुमन ही तो प्रेगनेंसी की बात हो गई सेकेंड डोज मैंने कब देनी होगी अगर ऑफ सेकेंड डोज ठीक है और फोर्थ डोज हमने कब देनी होती है वन ईयर लेटर ऑफ थर्ड डोज अच्छा देखो सबसे पहले ये दी फिर एक महीने बाद ये दी फिर छह महीने बाद तीसरी दूंगी फिर तीसरी के एक साल बाद चौथी दूंगी और चौथी के एक साल के बाद फिर हम क्या देते हैं पांचवी देते हैं, तो इस तरह से आ, उसकी कंप्लीट हो जाती हैं पांच डोजेज और यूजुअली ये पांच ही होती हैं अगर वो इम्यूनाइज्ड है तो भी हम सातवें आठवें महीने पे देते हैं, नहीं है तो सातवें आठवें पे देंगे फिर आठवें के देखो उसकी डिलीवरी तो हो जाएगी लेकिन इसके छह मंथ्स बाद हमें थर्ड देनी पड़ेगी एक साल बाद फोर्थ और एक साल बाद फाइव तो इंडिकेटेड यही होता है कि आप ये पांच जो वैक्सीनेशन है ये उसकी पूरी की पूरी करें अब आपकी बुक में से देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर इन में इनमें कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं तो बेटे सबसे पहले ये कि इंडिकेशन एंटी टेटनस तो अगर कोई बाउल सर्जरी है बर्न है कोई डेंटल एक्सट्रैक्शन है आई इन्फेक्शन है बाइट है गिरे हुए हो कुछ भी हुआ है तो आप लगवा लो हाउ विल यू डायग्नोज अ केस ऑफ टेटनस तो मैंने अभी आपको बताया कि उसकी वैक्सीनेशन नहीं होगी मसल स्टिफनेस होगी सेंसोरियम बिल्कुल ठीक होगा एंड देन हमने कहा भी कि पर पिस्टेटोनस वगैरह रा और राइसिस होगा अ बेबी वॉज डिलीवर बाय एन अनट्रीटेड बर्थ अटेंडेंट शी कट द कॉर्ड ऑफ द बेबी विद अनस्टेरिलाइज डर्टी ब्लेड बेबी डाइड विद डेज आफ्टर मसलैस को प्रिवेंट कर सकते थे येस yes, कर सकते थे अगर हम इसको अर्ली डायग्नोज कर सकते हम इसको वैक्सीन दे देते साथ में हम लोग इसकी वो करते तो कर सकते थे ठीक है उसके बाद कहता है कि आपको एक जगह पे टेटनेस न्यूनोटोरम जो है बहुत ज्यादा हाई था और आपको वहां पर अपॉइंट किया गया तो आप क्या करेंगे जाहिर है बेटे आप सबसे पहले वहां की दाइयों को को ट्रेन करेंगे न्यूनटोरम को प्रिवेंट करने के लिए फिर होम डिलीवरीज को क्लीन करेंगे उनको बताएंगे कि साफ हाथों से डिलीवरी करनी है उसके बाद मदर को वैक्सीन करना है मास्टर फिर पैदाश के बाद बच्चे को भी देनी है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लासेस पढ़ाऊंगी लेकिन ये टेटनेस की इंपॉर्टेंट चीजें थी इसका जो वैक्सीन शेड्यूल है मदर का और कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो एक्टिव और पैसे वैक्सीनेशन दोनों इसमें करते हो इसका जो एजेंट है प्राइमरी डिटर्मिनेट वो आपको बताना चाहिए दिस इज ऑल अबाउट टेटनेस कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं